नमस्कार दोस्तों, जीके अर्जुन सर यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है। जो सुबह वीडियो अपलोड किया था यूपी पीजीटी इतिहास का जो है साल पेपर, उसी का ये दूसरा भाग है। तो चलिए शुरू करते हैं। 60 क्वेश्चन उसे अपलोड किया था और 60 से आगे क्वेश्चन बताए भी थे आपको कि जी इसके बाद जो है वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो चलिए देखिए, इसमें 61 नंबर क्वेश्चन देखिए। जो भी क्वेश्चन जो इसमें जो कंफ्यूज वाला उसको मैं छोड़ दूंगा, अगर किसी भी छात्र को अगर पता होगा तो उसको कमेंट में दे दीजिए, ताकि सभी लोग मिला लगें कि इसका आंसर हो ये होगा। तो 61 नंबर शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक आत्मीय सभा से नहीं जुड़ा था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, नंद किशोर बोस। क्वेश्चन नंबर 62, किसने अपने ग्रंथ में मुद्रा जालसाजों को संदर्भित किया है? तो इसका आंसर होगा ए, कौटिल्य अर्थशास्त्र। क्वेश्चन नंबर 63, शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक स्थल निम्न में से कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा बी, भीमबैठका। भीमबैठका है, भोपाल में है, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, हड़प्पा सभ्यता के किस नगर की चिनाई के लिए तत्क्षित प्रस्तर का प्रयोग कच्ची ईंटों के लिए साथ किया जाता है? तो देखिए ये क्वेश्चन जो है कन्फ्यूज वाला है, तो इसको छोड़ दे रहे हैं। आप लोग अगर आंसर इसका जानते होंगे आप लोग, तो इसको कमेंट में लिख सकते हैं, ताकि और लोग भी इसको मिला लेंगे। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, समुद्रगुप्त के शासनकाल के समय कांची का शासक कौन था? तो इसका आंसर होगा ए, विष्णु गोप। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, शेर शाह के शासन का के समय किस विभाग का अध्यक्ष राज्य की आय का देखभाल करता था? तो इसका हो जाएगा दीवाने वजारत, ए सही इसमें। क्वेश्चन नंबर 67, किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट समाप्त किया? देखिए यहाँ पर समाप्त किया पूछा है, लगाया था लॉर्ड लिटन ने जो है, लेकिन समाप्त किसने किया? लॉर्ड रिपन ने, बी सही इसमें। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, प्रसिद्ध पुस्तिका ब्रह्मोपासना किससे संबंधित है? तो इसका भी आंसर जो है कन्फ्यूज वाला आंसर है ये, कुछ लोग मान रहे हैं ब्रह्म समाज से, लेकिन इसका भी आप लोग आंसर कमेंट में दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, भू राजस्व के निर्धारण के लिए किस चोल शासक ने अपने राज्य में भूमि सर्वेक्षण प्रारंभ कराया? यहाँ पर देखिए प्रारंभ कराया, तो इसका आंसर हो जाएगा राजराज प्रथम। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, भारत और पाकिस्तान के स्वाधीन होने की घोषणा किस दिन की गई? इसका आंसर हो जाएगा ए, 3 जून 1947 को। क्वेश्चन नंबर 71 है, बौद्ध मान्यता के अनुसार निम्नलिखित में से किस देवता ने 3 बार बुद्ध से प्रार्थना की और अपने ज्ञान प्रकाश को आगे आकर चारों ओर फैलाए? ये भी क्वेश्चन जो है कहीं मिला नहीं, क्वेश्चन कंफ्यूज वाला है, तो इसका भी अगर आंसर आपको पता हो तो कमेंट में दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, मुगल काल में जब्त क्या है? मुगल काल में जब्त क्या है? देखिए जब्त एक प्रकार की जो है टैक्स है, यानी कर है, जो जब्ती प्रणाली द्वारा जो है भूमि जब्त कर ली जाती थी। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, निम्नलिखित में से कौन चोल शासक युद्ध भूमि में राजा घोषित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, राजेंद्र द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 74, 1864 में किसने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सर सैयद अहमद खान। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, किसकी अध्यक्षता वाली कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, लाला लाजपत राय। सम्राट अशोक के निम्नलिखित रानियों में से किसका नाम उसके उल्लेख में उल्लेखित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कारुवाकी। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, बाबर द्वारा किस भाषा में तुजू के बाबरी लिखी गई है? तो ये तुर्की भाषा में है। क्वेश्चन नंबर 78, वीर निर्माण किस युग से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा सी, शैव धर्म से। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध
स्वरूप निम्नलिखित में से किसने नाइटहुड यानी सम्मान का प्रत्याग कर दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा बी, अवनींद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था? तो ये जो है मार्च 1946 में, ये सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 82, भारत में निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा सी, गुफराल। जम्मू कश्मीर है गुफराल, यहाँ पर गड्ढा घर भी पाया गया है। तो नवपाषाणिक पूछा है, तो नवपाषाणिक में जो है गुफराल नवपाषाणिक का है स्थल। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, कादरी सिलसिला के सूफी संत लाहौर के मियां मीर किसके राज्यकाल से संबंधित है? देखिए इसका अभी क्वेश्चन जो है कंफ्यूज वाला है, अगर आपको आंसर करेक्ट पता होगा जिसको कमेंट में लिख सकते हैं, लेकिन हमारे समझ से जहां तक अनुमान में लगा सकता हूं कि ये जो है मियां मीर दारा सिखों के शासनकाल में था, दारा सिखों शाहजहां के संबंधित था, तो उसके अगर इर्द गिर्द देखा जाए तो जहांगीर हो सकता है, इसमें जहांगीर जो है हो सकता है, लेकिन इसका कन्फर्म नहीं है। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वेद अंशतः गद्य में है? इसमें अंशतः पूछा है, गद और पद नहीं पूछा है, केवल गद्य लिखा है, तो ये जो हो जाएगा ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, कांग्रेस के किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, लाहौर अधिवेशन, 1929 में हुआ था लाहौर अधिवेशन, जिसमें अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। क्वेश्चन नंबर 86 है, अशोक के निम्नलिखित उत्तराधिकारियों में से किसने देवनाम प्री की उपाधि का प्रयोग किया था? ये क्वेश्चन आपको अपने वीडियो में बनाया भी था, आप देखे भी होंगे। तो अशोक के बाद देवनाम प्री की उपाधि धारण करने वाला कौन था? इसका आंसर हो जाएगा ये, दशरथ। क्वेश्चन नंबर 87, पाटलिपुत्र के निम्नलिखित में से कौन संस्थापक था? तो इसका आंसर हो जाएगा उदयभद्र। क्वेश्चन नंबर 88, हूणों का आक्रमण वर्णित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, भीतरी अभिलेख में। क्वेश्चन नंबर 89 है, 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ किस स्थान के रहने वाले थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, बनारस के। क्वेश्चन नंबर 90 है, भारत छोड़ो प्रस्ताव किस दिन पारित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 8 अगस्त 1942 को। 7 अगस्त देखिए 1942 इसमें दिया, उस दिन बैठक हुआ था, और बैठक के बाद 8 अगस्त को जो है ये पारित किया गया था बम्बई में, 8 अगस्त 1942 को। क्वेश्चन नंबर 91 है, जैन परंपरा के अनुसार 22वें तीर्थकर नेमिनाथ किससे संबंधित है? देखिए इसका भी आंसर कंफ्यूज में है, अगर आंसर आपको पता होगा स्पष्ट इसको बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा अपनी सांकेतिक मुद्रा में किस धातु का प्रयोग किया गया था? आंसर इसका हो जाएगा तांबा का। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित किस ग्रंथ में कहा गया कि जब कोई व्यक्ति संघ में प्रवेश पाता है तो वह वर्ण विहीन हो जाता है? तो ये भी क्वेश्चन कन्फ्यूज है, इसको भी आप आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, निम्नलिखित करों में से कौन सा कर दिल्ली के सुल्तानों ने लगाया था? तो उपयुक्त इसमें हो जाएगा खस्म, खराज, जकात, ये सब कर दिल्ली के सुल्तानों द्वारा लगाया गया, उपयुक्त सभी होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, ताम्रपाषाण काल में वृत्ताकार गर्त गृहों की प्राप्ति किस स्थल से प्राप्त हुई है? इसका आंसर हो जाएगा बी, आहाड़ से। देखिए इमाम गाँव भी है, लेकिन इमाम गाँव में जो यहाँ पूछा है वृत्ताकार, यहाँ पूछा है वृत्ताकार गिर्त ग्रहों की प्राप्ति नहीं है, यहाँ पर केवल आहार से मिला है, आहार भी ताम्रपाषाण कालीन स्थल है। क्वेश्चन नंबर 96, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? इसका आंसर हो जाएगा डी, सुभद्र। कौन था? सुभद्र। क्वेश्चन नंबर 97, प्रसिद्ध क्रांतिकारी आशुतोष कोयला किस क्रांतिकारी संगठन के सदस्य थे? इसका आंसर हो जाएगा सी, अनुशीलन समिति के।
क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, श्रेष्ठिन शब्द का प्रयोग किया जाता है। देखिए ये भी क्वेश्चन कन्फ्यूज वाला आंसर हो तो पता दे सकते हैं, लेकिन इसका आंसर हमारे तरफ से जो है शिल्पकार हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 99, किस गवर्नर जनरल द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन किया गया? इसका आंसर हो जाएगा डी, विलियम बेंटिंक, लॉर्ड बेंटिंक। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, निम्नलिखित राजाओं में से किसने अपने राज्य में मदिरा उत्पादन पर बिक्री पर निषिद्ध कर दिया था? ये भी क्वेश्चन कन्फ्यूज में ही है, इसका हमारे तरफ से आंसर जो है सी हो सकता है। ये आप लोग कमेंट में दे सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 101 देखिए, तीनकठिया ब्रिटिश भारत में क्या थी? इसका आंसर हो जाएगा आपका ये, जहाँ किसान 3/20 भाग हिस्सा पर जमीन पर नील की खेती करने के लिए बाध्य था वही तीनकठिया था। क्वेश्चन नंबर 102 देखिए, भारत छोड़ो प्रस्ताव किसकी किसने अनुशंसा की थी? भारत छोड़ो प्रस्ताव की अनुशंसा किसने की थी? ये भी क्वेश्चन कन्फ्यूज का है, आप लोग आंसर दे सकते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 103 देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्रथम भिक्षुणी थी? इसका आंसर हो जाएगा बी, महाप्रजापति गौतमी। क्वेश्चन नंबर 104, 1620 में जहांगीर ने किसके नेतृत्व में कांगड़ा के विरुद्ध अभियान भेजा था? तो इसका भी आंसर जो है कन्फ्यूज में ही है, इसको आप आंसर दे सकते हैं, हमारे समझ से महावत खां ही होगा। क्वेश्चन नंबर 105, निम्नलिखित में से किसने गाथा सप्तशती ग्रंथ की रचना की? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, सातवाहन का हाल। क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित में से प्रथम गुप्त शासक कौन था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 107, गुप्त काल में युद्ध एवं शांति मंत्री का जाना जाता था? इसका आंसर हो जाएगा सी, संधि विग्रह के रूप में। क्वेश्चन नंबर 108 देखिए, इंग्लैंड में फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो भी क्वेश्चन कन्फ्यूज वाला है, इसको आंसर दे सकते हैं आप, हमारे समझ से ए और ह्यूम हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 109, दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन कराया था? इसका आंसर हो जाएगा सी, बलबन। क्वेश्चन नंबर 110, चोल शासक प्रबल अनुयायी थे किसके? शैव धर्म के। क्वेश्चन नंबर 111, पाकिस्तान का विचार किसके द्वारा प्रशस्त किया गया था? इसके आंसर हो जाएगा मोहम्मद इकबाल द्वारा। एक क्वेश्चन आपको वीडियो अपलोड भी किए थे। क्वेश्चन नंबर 112 देखिए, दरबार के नवरत्नों का संबंध किससे था? इसका आंसर हो जाएगा ए, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त दरबार में जो है नवरत्न रहते थे। क्वेश्चन नंबर 113, गुप्त काल में सार्थवाह कहा जाता था, किसको कहा जाता? व्यापारिक कारवा के प्रमुख को। क्वेश्चन नंबर 114, गुप्तकालीन ब्राह्मणी अभिलेख से युक्त जैन प्रतिमाओं को निम्नलिखित में से कहां से प्राप्त हुआ है? ये भी क्वेश्चन जो है कन्फ्यूज का, आप आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 115, चोलों के समय उर की कार्यकारिणी क्या कहलाती थी? इसका आंसर हो जाएगा सभा। क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित में से कौन महावीर जैन के शिष्य के रूप में संबंधित था? ये भी क्वेश्चन कन्फ्यूज में है, इसको आप आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 देखिए, किस युद्ध के बाद मैसूर के टीपू सुल्तान को सहायक राज्य बनाने के लिए बाध्य किया गया? ये भी क्वेश्चन जो है कंफ्यूज में ही है, चतुर्थ में तो ये मारा गया, लेकिन हो सकता है कि इसमें चतुर्थ हो या सी और डी में से कोई एक हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 118 देखिए, निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वर्णित कैके जनपद का एक राजा दार्शनिक था? तो इसका आंसर हो जाएगा अश्वपति। क्वेश्चन नंबर 119, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट, 1917 में बनी थी ये अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 120, निम्नलिखित भाषाओं में से किसे कैलेंडर कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बावर।
क्वेश्चन नंबर 121 देखिए, किस वायसराय द्वारा कांग्रेस को प्रतिबंधित किया गया था? ये भी क्वेश्चन कंफ्यूज में आंसर आप दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 122, निम्नलिखित में से किसने 1899 में कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट पारित किया था? आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड कर्जन। क्वेश्चन नंबर 123, चोल गंगम तालाब का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? इसका आंसर हो जाएगा बी, राजेंद्र प्रथम। क्वेश्चन नंबर 124 है, देखिए ये भी कंफ्यूज वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर ए हो सकता है, ए और बी में कोई एक आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 125, निम्नलिखित किस अभिलेख में पटवाई श्रेणी का उल्लेख है? पटवाई, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कुमार गुप्त प्रथम का मंदसौर अभिलेख। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के अधिक से अधिक शेयर करिए, और इसमें मैं लग रहा है कि कुल टोटल 10 क्वेश्चन जो है, 10-12 क्वेश्चन कन्फ्यूज वाले हैं, जो इसका आंसर आयोग ही दे पाएगा, हम लोगों को जो है खोजने से इसका आंसर कहीं मिलने वाला नहीं है। और इसके अलावा जो है और लगभग आंसर मिल ही गया आप लोगों को, और इसमें जो भी मैं अगर क्वेश्चन अगर गलत भी अगर एकाध क्वेश्चन जो है बोलने में गलत बता दिए होंगे, तो आप लोग जो उसका कमेंट में सही आंसर उसको टिक कर दीजिएगा, ताकि और लोग भी जो मिलाएं तो उनका सही हो जाए क्वेश्चन। तो इसको जो है वीडियो को आप लाइक करिए, और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन घंटी को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।